नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ नीतीश सिंह। बिहार में अग्निपथ स्कीम को लेकर लगातार विरोध जारी है। सड़क से सदन तक विपक्ष की पार्टियां नजर आ रही है। इसके साथ ही बिहार विधानसभा के मानसून सत्र में भी विपक्ष की पार्टियों ने इसका बहिष्कार कर दिया है। साथ ही आज बता दें आपको, पटना की सड़कों पर एक बार फिर काफी संख्या में छात्र सड़क पर उतर गए, जिसके बाद पुलिस से तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। दरअसल तमाम छात्र इकट्ठा हुए थे, बिहार विधानसभा को घेरने निकले थे, लेकिन इन्हें पुलिस ने रोक लिया। इसके बाद क्या था, छात्र और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली, जिसके बाद पुलिस ने इन्हें जेपी गोलंबर पर रोक दिया। आपको बता दें बिहार में लगातार अग्निपथ स्कीम का विरोध जारी है। अब ये छात्र पटना की सड़क पर उतर कर देखिए किस तरीके से सरकार के खिलाफ नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। क्या आप लोग देख पा रहे हैं, प्रदर्शनकारी को जो है लेकर जाया जा रहा है प्रशासन के द्वारा। प्रदर्शनकारी इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए आसानी से तो देखा किस तरीके से पटना में एक बार फिर भारी संख्या में युवा सड़क पर उतर गए और केंद्र सरकार और बिहार सरकार के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की। साथ ही यह भी कहा कि अग्निपथ स्कीम सरकार जल्द वापस ले ले। बता दे आज ये सभी युवा बिहार विधानसभा को घेरने निकले थे, लेकिन पुलिस ने इन्हें जेपी गोलंबर पर रोक लिया। लगातार हम आपको खबरों से अपडेट कराते हैं, आप बने रहे लाइव बिहार के साथ। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।